छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन को लगभग 21 दिन हो चुके हैं। पिछले दिनों बारिश के बाद धान की फसल में कीट प्रकोप हो गया है, लेकिन लॉकडाउन के कारण किसान कीटनाशक का छिड़काव करने के लिए अपने खेतों तक नहीं जा पा रहे हैं। राजधानी रायपुर, बलौदा बाजार, महासमुंद, धमतरी, भाटापारा सहित कई शहर से लगे गांव में ऐसे हजारों किसान हैं जो रोज शहर से 35 से 40 किलोमीटर की परिधि में आना जाना कर खेती बाड़ी करते हैं, विशेषकर सब्जियों की खेती कर रहे हैं। लॉकडाउन में किसानों को खेतों में जाकर फसल देखने तक की छूट नहीं है, जबकि फसल के हिसाब से यह समय अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसमें धान की फसल पककर तैयार होने की ओर है, वहीं सब्जी की फसलों के लिए गांव-गांव में नर्सरी तैयार हो रही है। इस समय धान की फसल पर तना छेदक व माहो समेत अनेक प्रकार के कीट प्रकोप चल रहे हैं। ऐसे समय में फसलों की रक्षा और देखरेख के साथ ही दवा और खाद दोनों की बेहद जरूरी है। किसान अपने खेतों में बिना दवा के फसलों को कीट प्रकोप से हो रहे नुकसान को झेलने पर मजबूर हो रहे हैं। मार्च महीने से देश में विभिन्न चरणों में लगाए गए लॉकडाउन के दौरान कितने ही किसानों की फसल और सब्जियां मंडियां और बाजार बंद रहने के कारण खेतों में ही पड़े रहकर सड़ती रही। नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने राज्य सरकार से मांग करते हुए कहा है कि किसानों को खेतों तक जाने की छूट दी जाए, साथ ही कृषि दवाई दुकान खोलने की मांग भी की है। रबी की फसल खेतों पे है और भूरा माहो और अन्य प्रकोप लग रहा है। ऐसी स्थिति में किसानों को दवाई की ज़रूरत है। लॉकडाउन में सभी दुकान बंद है और बंद रहने के कारण में फसल सभी नुकसान हो रहे हैं। फसल को बचाने के लिए नितांत आवश्यक है कि सरकार टोल फ्री नंबर जारी करे, ऑनलाइन ऑर्डर भी हो सके और उनके घर तक पहुंचाया जा सके, या ऐसी कोई व्यवस्था सरकार करे कि जिससे सहजता के साथ में उन्हें खाद और दवाई उनको उपलब्ध हो सके कि अपने फसलों को बचाया जा सके। ये सरकार को तत्काल आदेश जारी करने चाहिए और किसानों को कैसे सहजता से उपलब्ध हो सके इसको सुनिश्चित कराने की आवश्यकता है।